में दूर से आती हूँ, हम गरीब हैं तो हम यहाँ काम सीखते हैं। तो पहले हमें 500 रुपया महीना मिलता था, तो अब 2 साल का एडवांस है तो 700 रुपया महीना लगता है मिलता है। तो हमारी मैम का नाम है गुरुज मैम, और हमारी मैम वो हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। गुरुज मैम हर रोज़ आते हैं तो हमें अच्छी तरह से काम सिखाते हैं। हम काम करके आगे हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी अपने गाँव में सेंटर खोल के लड़कियों को इकट्ठा करके हम भी काम करना चाहते हैं, काम करके सोसाइटी में इज्जत कमाना चाहती हैं। हमें हम काम करके बेडशीटें वगैरह बेचना चाहती हैं, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। गरीब दूर दूर से लड़कियां आती हैं, आके काम वहां सीखती हैं। इधर सेंटर हमने खोला हुआ है तो गुरेज में हमें सिखाते हैं इधर काम अच्छे से, बेडशीटें निकालते हैं, शॉल निकालते हैं। तो और दूर दराज से लड़कियाँ आती हैं, नाले क्रॉस करके आती हैं, तो बहुत अच्छा काम हमें इधर सिखाती है मैम। तो हम अपन इधर काम सीख के अपने गांव में काम करके और इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। हमारे यहाँ कालीन का काम, हैंडीक्राफ्ट में कालीन का काम भी चल रहा है, फुलकारी का काम भी चल रहा है, कंघी तो कंघी वगैरह का काम भी, नाड़ा परांदा का सेंटर भी है। क्योंकि दूर दराज की लड़कियाँ जो हैं गांव के बॉर्डर इलाके की, ये खाली न रह जाएं, कोई ना कोई हुनर सीखें, इसलिए इनको शाल वगैरह, शाल सीखना, बेडशीट सीखने बनाने, शाल बनाने, सूट वगैरह निकालने, कालीन बनाने, फुलकारी का काम, कंघी परांदा का काम, नाड़ा परांदा का काम भी हमारे यहाँ खुला है। इसीलिए कि बच्चे जो गरीब मिस्किन है वो किसी न किसी तरह किसी कोई हुनर सीख लें।